जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग इज सक्सेस में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और कुछ नया व कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपको जो हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको एक मोटिवेशनल कुछ लाइनें हैं चार, तो उनके साथ स्टार्ट करेंगे। तो उन लाइनों को मैं आपको बताता चलूँ कि उन लाइनों को मैंने ही लिखा है, तो वो लाइनें मैं आपको आज बताता चलूँगा। पहले उन चार लाइनों को बोलते हैं। और हाँ, अगर मेरी वो चार लाइनें आपको पसंद आती हैं, कुछ उनमें खास लगता है अगर आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो लाइनें क्या हैं कि जमाने गुजर जाते हैं मंजिलों को पाने में, जमाने गुजर जाते हैं मंजिलों को पाने में, क्योंकि लोग वक्त बर्बाद करते हैं एक दूसरे को आजमाने में, क्योंकि लोग वक्त बर्बाद करते हैं एक दूसरे को आजमाने में। सबके पूरे नहीं होते सपने, सबके पूरे नहीं होते सपने उनके आसियानों में, पर किस्मतें बदलती हैं अक्सर मेहनत के खजानों में, पर किस्मतें बदलती हैं अक्सर मेहनत के खजानों में। आशा करता हूं दोस्तों मेरे चार लाइनें आपको पसंद आई होंगी, जिनको मैंने खुद लिखा है। और दोस्तों आज जो है मैं आप सभी को कुछ कहना चाहूँगा, तो आज मैं आपको जो कहना चाहता हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और मेरी अगर बातें आपको आज अच्छी लगती हैं, क्योंकि आज का वीडियो जो है स्टार्ट होने से पहले आज मैं कुछ मेरे मन में कुछ ख्याल आए थे, तो मैंने सोचा आज क्यों ना हम इसी अंदाज में वीडियो को पेश करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग पर डे उठते होंगे, और उठने के बाद डेली जो डेली की लाइफ रूटीन होती होगी आप डेली उसी को करते होंगे, लेकिन आज मैं आपको जो कह रहा हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि आप डेली उठें और सुबह उठकर सबसे पहले आप अपने मन में ये ठाने कि आज आप अपने काम में अपना आप बेस्ट देंगे। सुबह उठकर सबसे पहले आपको यही करना है कि आज आप अपने काम में जो भी आप काम करते हैं, जो भी एनीथिंग, जो कुछ भी आप करते हो, पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, कोई किसी जॉब पे जाते हो, कुछ भी काम करते हो, या आपका कोई पर्सनल बिजनेस है या कुछ भी, या फिर बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी, या स्टार्ट कर चुके हो तो थोड़ा बहुत चल रहा है, कुछ भी आप करते हो, तो आप सोचोगे कि आप सुबह उठ के सबसे पहले डेली का काम यही होगा आपका कि आप अगर ये सोचने लगे कि आज मैं जब, यानी कि जिस दिन आप डेली उठें और उठने के बाद सोचें कि आज मैं जो भी करूँगा वो उसमें मैं आज अपना सबसे बढ़िया, यानी कि सबसे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से पूरा अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और उस दिन को अपनी लाइफ का सबसे अच्छा दिन बनाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें सोचनी होती हैं आपको कि आज जो आप करेंगे आप उसमें अपना आप बेस्ट देंगे, और आज का दिन जो होगा वो आपकी लाइफ का आज अच्छा दिन होगा, उसको आप अपनी लाइफ का एक अच्छा दिन बनाएंगे, बनाएंगे तभी होगा वो अच्छा दिन। ठीक है, यकीन मानिए आप कुछ तो कर अच्छा कर, यानी कि आप कुछ तो अच्छा कर ही जाएंगे, समझे, आप अपनी लाइफ में कुछ तो अच्छा कर जाएंगे अगर इसी तरह से डेली आप इसी तरह से करते रहेंगे, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि राई राई से पर्वत बनता है। ठीक है, अगर डेली उठ के आप इसी तरह करने लगें तो डेली आप कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ तो नया करेंगे, और जब आप कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ नया करेंगे, धीरे 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 करके यही आपका कुछ 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 जो होता है यही करके एक दिन आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जो सफलता आपके आसपास दिखाई नहीं देती है, ठीक है, जो आपके आसपास दिखाई नहीं दे रही होगी वो आपके साथ साथ चलेगी, आप ये यकीन मान लीजिए, लेकिन हाँ आपको डट के डेली डे बाय डे ये सब करना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि जो भी लोग सक्सेस हुए हैं ना वो ऐसे नहीं हुए, एक दिन में नहीं हो जाता है कुछ, उन्होंने अपनी लाइफ में, देखो एक दिन में कुछ नहीं होता और इकट्ठा कर लेने से कुछ नहीं होता, अपनी लाइफ में आप थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, एक दिन आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो आप डेली ये ज़रूर करें।
दोस्तों, यदि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो आप वही करिए जिसको करने के लिए आपका दिल कहता है। यानी कि आप वही करिए जो आपका मन कह रहा हो, आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, उसको करिए आप। तो अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अपने मन की सुनिए हमेशा। जो आपका मन कहता है आपको, आप वो करिए। जो करने में आपको अच्छा लगता हो, आप वो करिए। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, या बैंकर्स बने, या एसएससी की तैयारी करके एसएससी में जाएं, या एनीथिंग, मतलब किसी भी सेक्टर में। ज़रूरी नहीं है ऐसा। आपको जो करने में अच्छा लगता है, आप जिसमें एक्सपर्ट हो, जो चीज़ करने में आपको बोरियत महसूस नहीं होती है कभी, जिसको करने में आपको मज़ा आता है, जो आप करते हो ना, तो मज़े में कर जाते हो, और बाद में पता चलता है कि आपने तो बहुत अच्छे काम बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। आप उसको करिए, समझे आप? जब आप उसको करेंगे ना, यकीन मानिए, एक दिन आप सफलता की ओर ज़रूर जाएंगे। कोई नहीं है जो आपको हरा दे, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप वो कर रहे हो। और जो बंदा जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है ना, उसको कोई हरा नहीं पाता इतनी आसानी से। बड़े लोहे के चने चबाने पड़ते हैं उसको हराने के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा कि अपनों के सपनों के लिए अपने सपने ना कुचलें आप, ठीक है? आप यकीन मानिए, यदि आप खुश होंगे ना, तो ही अपनों को खुश रख पाएंगे। एक बार सोच के देखिए कि आप अपनों की खुशियों के लिए, उनके सपनों के लिए आप वो करते हो जो आप नहीं करना चाहते हो, ठीक है? लेकिन एक बार ये सोच के देखिए कि आप वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है, जो जिसमें आप एक्सपर्ट हो, ठीक है? आप जिस दिन आप वो कर लेंगे ना, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, तो और उस चीज़ को, सॉरी, मेरे कहने का मतलब है, आप एक्सपर्ट तो हो ही उस चीज़ में, और जब उस काम को आप कर लेंगे, तो आप खुश रहेंगे। और एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी कि जब आप खुश रहेंगे ना, तो आप अपनों को और अपनों के साथ साथ जो और भी लोग होंगे ना, उनको भी खुश रख सकते हो। लेकिन एक चीज़ सोचिए ज़रा कि अगर आप खुद खुश नहीं हो अंदर से, अपने से खुश नहीं हो, अपने काम से खुश नहीं हो, तो आप घर वालों के लिए क्या कर सकते हो? करोगे भी तो कब तक करोगे? महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल। एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप परेशान हो गए होगे अपनों से, जिस दिन आप उनकी डिमांड से परेशान हो गए होगे, जिस दिन आप उनकी खुशियों को लिखे किए गए कार्यों से परेशान हो गए होंगे, ठीक है? तो उस दिन शायद आपको ये एहसास होगा कि शायद आप वो करते जिसमें आपको मज़ा आता था। और आप अगर आज वही होते, तो आज आप खुश होते, और यदि आज आप खुश होते, तो जाहिर सी बात थी, डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि आप अगर खुश होते ना, तो आप सबको खुश रखने की कोशिश करते, उनको खुश रखने के लिए बल्कि तरीके ढूंढते, ना कि उनसे बचने के तरीके ढूंढते, उनको खुश रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए तरीके ढूंढते आप, ठीक है? तो डरे नहीं, अपना भविष्य खुद चुने। ये ना डरे कि नहीं, मैं अपनी तरफ जो मैं करना चाहता हूँ, अगर मैं वो करूँगा, सक्सेस ना हो पाया तो क्या होगा? जी नहीं यार, आप सक्सेस होगे यदि आप अपने एम को सही तरीके से चूज कर रहे हो, जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो। हर बंदे में कोई ना कोई एक क्वालिटी तो ज़रूर ही होती है, ठीक है? बस आपको करना क्या है कि आपको अपनी क्वालिटी को पहचानना है कि आप में वो खासियत क्या है, आप में वो क्वालिटी क्या है जिस जो आपको खास बनाती है। बस आपको ये पहचानना है, और जिस दिन आप पहचान ले गए ना, यकीन मानिए कि आप फिर आपको कोई हरा ही नहीं सकता है, ये आप समझ लीजिए। इसलिए डरना नहीं है कि नहीं, मैं अगर ये करूँगा तो क्या होगा। यार कुछ नहीं होगा यार, अगर आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, तो आप हार नहीं मान सकते हो, और आप ना ना तो आपकी हार होगी, आप सक्सेस होगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जितना बड़ा सोच रहे हो, उतना बड़ा ना कर पाओ,
लेकिन आप एक बार जरिए ये सोच के देखिए, जितना बड़ा आप सोच रहे हो उतना नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जो आप अपने मन को मार के दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो उसमें अगर आप ना कर पाए तो क्या होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं, या कर भी लेते हैं तो वो चीज़ नहीं कर पाते हैं जो करना चाहिए था। एक टेम्परेरी वो एक कहते नहीं कि फर्जदाई हो गई, खाना पूर्ति जो कहते नहीं, खाना पूर्ति कर दी गई। तो खाना पूर्ति नहीं करनी है आपको, लाइफ यार एक बार मिली है, लाइफ को ना जियो, जीने का तरीका सोचो, खोजो यार। क्योंकि ना एक ही बार इंसान बने हो, बार बार इंसान बन के नहीं आओगे। पता नहीं इस दुनिया में ना न जाने कितने करोड़ों योनियाँ होंगी, यानी कि कितने प्रकार के जीव होंगे हमारे यहाँ, हमारी पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पे। तो आप कुछ भी बन सकते हो ना। कहते हैं कि इंसान से बेटर लाइफ किसी की नहीं होती है। अगर इंसान से बेटर लाइफ किसी की नहीं होती है तो हम क्यों इंसान के रूप में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? नहीं यार, इंसान के रूप में लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। आपको वो करना है जिसमें आपकी खुशी है, आपको वो करना है जिसको करने में आपको अच्छा लगता है, ताकि आप जिस दिन मरे ना उस दिन आप खुश खुश होके मरे, यानी आंखों में आंसू ना हो, चेहरे पे मुस्कान हो मरने के समय पे। आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ आया था तो कुछ तो करके जा रहा हूँ यार, ऐसे नहीं जा रहा हूँ। तो एक जो आह होती है ना मन में कभी कभी, तो वो आह नहीं होनी चाहिए मरने के टाइम पे कि अरे यार मैं ये नहीं कर पाया, अरे यार मैं वो नहीं कर पाया। आप सब कर सकते हो, बस आपको अपने को पहचानना है। अपने को पहचानिए, और आए हो इस धरती पे आए हो तो आपको कुछ करके जाना है, ये ठान लेना है कि कुछ तो करके जाना है। ऐसे निठल्ले बन के मर के नहीं चले जाना है। कुछ तो ऐसा करके जाना है कि दुनिया याद करे ना, दुनिया तो यार आपका देश तो याद ही करे ना, आपका देश तो यार आज आज आपका समाज तो याद करे आपको। कुछ ऐसा तो जरूर करके जाना है। तो अच्छा चलो छोड़ते हैं इसको, बहुत लंबा हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ नया देखते हैं। तो नए में क्या देखते हैं हम लोग, जो आज जो हमारा जो टॉपिक है, और हाँ आपको मेरी जो 4 लाइनें थी वो अगर आपको पसंद आई हो, उसमें भी बहुत अच्छी बात मैंने लिखी थी कि किस्मतें बदलेंगी बदलती हैं अक्सर मेहनत के खजानों से। तो मेहनत करनी है आपको, लेकिन मेहनत कहाँ करनी है, जिस चीज़ में आपको आप एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ, एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी से, कि मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें, मेरी हेल्प करें, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़वाएं, ताकि मेरे अंदर भी एनर्जी आए और मैं और भी अच्छा अच्छा आपके लिए ला सकूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो है भारत के 28 राज्यों की स्थापना दिवस, ठीक है। तो स्थापना दिवस के बारे में जानेंगे कि कौन से राज्य को कब यानी कि उसको उसका गठन कब किया गया, ठीक है ना। तो देखते हैं, पहला, टाइम वेस्ट ना करते हैं, वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो पहला जो है हमारा वो देखते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसकी स्थापना कब हुई, 20 फरवरी 1987 को, ठीक है। उसके बाद है हमारा असम। असम राज्य जो है इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। उसके बाद है उड़ीसा, उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936, उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो पहले से ही लंबा हो चुका है हमारी लेक्चर की वजह से, ठीक है। और शायद बहुत लोगों को पसंद भी ना आया हो, और जिनको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं ना। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था आप सभी को पता होगा लगभग लगभग। 26 जनवरी, 26 जनवरी क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ था ना, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर 2000,
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है कर्नाटक राज्य का स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और इसके बाद नेक्स्ट है केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। सेम है दोनों, कर्नाटक केरल का दोनों की स्थापना 1 नवंबर 1956, दोनों की स्थापना 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुजरात की स्थापना हुई 1 मई 1960, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960। गोवा की स्थापना हुई थी, जो गोवा का जब गठन किया गया था तो 30 मई 1987 को, कब 30 मई 1987 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो हमारा है छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को। और 12 है हमारे जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। बहुत लोग अब सोच रहे होंगे कि जम्मू क्यों लिखा है, जम्मू होता है भाई साहब, जम्मू ही उसका रियल नाम था पहले हमारे इतिहास में, 200-300 साल पहले का इतिहास अगर उठा के देखेंगे जम्मू ही होता है। लेकिन वो टंग ट्विस्टर की वजह से, अंग्रेज़ों की जो टंग ट्विस्टिंग थी उसकी वजह से जम्मू हुआ, वो जम्मू बोलते थे और जम्मू से हम लोगों ने क्या कर दिया, जम्मू कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 किसे गठन हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले और आया था क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को हुआ था उत्तर प्रदेश का गठन, ठीक है ना। और तमिलनाडु का भी 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के बाद हम लोग देखते हैं तमिलनाडु हो गया हमारा 26 जनवरी 1950। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972। उसके बाद है 17 नंबर में नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को। और उसके बाद 18 नंबर में है पंजाब की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर 1966 पंजाब का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को, बिहार की स्थापना जो हुई 1 अप्रैल 1912 को हुआ, बिहार का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1912 का को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह है मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ वह 1 नवंबर 1956 को हुआ, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956। महाराष्ट्र का गठन हुआ 1 मई 1960 को, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिज़ोरम का जो गठन हुआ था उसकी जो स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को हुई, 20 फरवरी 1987 को हुई। और उसके बाद मेघालय देखते हैं, मेघालय की स्थापना जो हुई 21 जनवरी 1972 को हुई, कब हुई, 21 जनवरी 1972 मेघालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हरियाणा का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को हुआ, 1 नवंबर 1966। और हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1975 को, 25 जनवरी 1975 को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजस्थान का जो स्थापना हुई वो हुई 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956। और सिक्किम की जो स्थापना हुई 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। ये था हमारा 27 नंबर क्वेश्चन, ये था हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, और इसके पहले था ये था 26 नंबर क्वेश्चन, और ये था 27 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नहीं सॉरी, ये पच्चीस था, ये 26 था, ठीक है, और इसके बाद आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे 28 राज्य कंप्लीट होते हैं। तो अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।